सरकार ने देशद्रोह के 4 साल पुराने मामले में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और 9 अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी दे दी है। कन्हैया कुमार ने फैसले की घोषणा के तुरंत बाद ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की परमिशन देने के लिए थैंक यू। दिल्ली पुलिस और सरकारी वकीलों से आग्रह है कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द ही ट्रायल हो और टीवी वाली अपनी अदालत की जगह कानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए। सत्यमेव जयते। साथ ही लिखा कि सेडिशन केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित कार्रवाई की जरूरत इसलिए है ताकि देश को पता चल सके कि कैसे सेडिशन कानून का दुरुपयोग इस पूरे मामले में राजनीतिक लाभ और लोगों को उनके बुनियादी मसलों से भटकाने के लिए किया गया है। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपने ट्विटर हैंडल से केजरीवाल पर तंज कसते हुए लिखा, महाशय अरविंद केजरीवाल जी, आप कितने में बिके। आपको बता दें कि फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था। इस मामले में कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिबान भट्टाचार्य समेत 10 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में चार्जशीट दायर की है। न्यूज डेस्क।